वेलकम बैक टू योर चैनल एस डी निशा शर्मा। सो इन टुडेज वीडियो हम करने वाले फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉल्स आईलैशेस ऑफ हुडा ब्यूटी। सो लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन फैमिली, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करो, पास में बनी हुई घंटी को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू मज़े वाली वीडियो डालूं तो आपके पास मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फैमिली, अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक की बातें। वैसे तो फैमिली, अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं आपको भी यही प्रिफर करूंगी कि आपको क्या करना है, 120 या फिर 250 तक वाली ही आई लैशेस लेनी है, ज़्यादा कॉस्टली मत लेना। यहाँ पे मेरे पास हुडा ब्यूटी की आई लैशेस थी, ये मैंने बहुत पहले क्लब फैक्ट्री से मंगाई थी, लेकिन आज की वीडियोज़ में मैंने सोचा चलो इसको यूज़ करा जाए। क्योंकि लॉकडाउन है, मैं न्यू चीज़ें नहीं मंगाना चाहती हूँ, लेकिन जल्द ही मैं कोई अच्छी ब्रांड की आई लैशेस आपको भी दिखाऊंगी। सो फैमिली, जब भी आप आईलैशेस लगाते हो तो आप अपनी आईलिड की लेंथ के अकॉर्डिंग अपनी आईलैशेस को कट कर लिया करो। इससे क्या होता है, वो आपको बिल्कुल भी चुभेंगी नहीं। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप फर्स्ट टाइम आईलैशेस पहन रहे हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि आपकी आईलैशेस बहुत जल्दी चिपक जाएगी। लेकिन मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आज से पहले मैंने एक बार आईलैशेस वियर करी हुई हैं, लेकिन वो मेरी फ्रेंड ने मुझे पहनाई थी, मेरी कज़न सिस्टर थी वो, उन्होंने मुझे पहनाई थी, लेकिन मुझे पहननी नहीं आती थी। इसके लिए ग्लू वगैरह, आई डोंट नो, ये जो भी आईलैशेस को स्टिक करने के लिए ग्लू था, इसको मैंने लगाया। ये जो ग्लू था, ये मैंने अपनी फर्स्ट वाले आईलैशेस में कुछ ज़्यादा ही लगा दिया था। अभी आप देखोगे वीडियो के आगे आगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप फर्स्ट टाइम यानी कि बिगनर्स हो तो आपको ये आईलैशेस स्टिक करने वाला जो ग्लू है, इसको आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अपनी आईलैशेस के ऊपर लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगा लेंगे तो जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही आपके साथ भी हो जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अगर अपनी आईलैशेस को अपनी आईलेट के ऊपर रख रही थी तो मेरे हाथ उस आईलैशेस में, फॉल्स आईलैशेस में चिपक जा रहे थे और वो दोबारा से निकल जा रही थी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए, जैसी मैंने इस फॉल्स आईलैशेस को अपनी आईलैशेस पर रखा तो मेरे हाथ में भी इतना ग्लू था कि वो उस पर अटैच हो ही नहीं पा रही थी, वो मेरे हाथ के साथ ही वापस आ जा रही थी। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। जब मैंने ये अपना फॉल्स आईलैशेस को स्टिक करने के लिए जो ग्लू लिया था, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था ये जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। जब मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि कुछ ना कुछ तो मुझे नीड पड़ेगी इसको स्टिक करने के लिए, देन मैंने उसका यूज़ बाद में किया। क्योंकि पहले मुझे लगा कि मैं अपनी हैंड की हेल्प से ही इस फॉल्स आईलैशेस को अपनी रियल आईलैशेस के ऊपर स्टिक कर लूँगी। एंड फैमिली, यू कैन सी कि मैंने जब तक अपने हैंड का यूज़ किया तब तक ये स्टिक हो ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिस्टेक पता नहीं चल रही थी। बट इन दी एंड मैंने इसको अच्छे से स्टिक किया और इस वाले पार्टिकल्स का यूज़ किया। अब इसके बाद ये अच्छी तरह से स्टिक हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे फर्स्ट आई कॉर्नर से सेकेंड आई कॉर्नर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो लास्ट आई कॉर्नर है वो काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट आई कॉर्नर है वो बहुत खाली खाली सा लग रहा है। लेकिन फैमिली, मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अपनी आई लैशेस को आप अपनी सिर्फ मिडल पार्ट में ही लगाएं, एंड पार्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको नहीं लगाना है। उससे आपकी जो आईलिड है उसमें रेडनेस आ जाएगी और हो सकता है कि कट वगैरह भी लग जाए। जब आप अभी एंडिंग में देखोगे, मैंने लाइनर लगाया उसके बाद कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि इसको मैंने चिपकाना कैसे है, स्टिक कैसे करना है, तो मैंने सेकेंड वाली बहुत ही जल्दी लगा ली थी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया मस्कारा। वैसे मैं मस्कारा ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, बट टाइम टू टाइम
हम में क्या होता रहता है, कुछ चेंजेस होते रहते हैं जो चेंजेस हमें और ज़्यादा गुड लुकिंग बनाते हैं। देन उसके बाद मैंने मस्कारा का यूज़ किया, अपनी लोअर लैशेस में और अपर लैशेस में दोनों जगह मस्कारा को लगाया। एंड मुझे एक मिस्टेक अपनी और लगी कि मुझे इनकी जो लेंथ थी, फेक आई लैशेस की जो लेंथ थी, उसको भी थोड़ा कट कर लेना चाहिए था, यानी कि ट्रिम कर लेना चाहिए था। क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम पे फेक आई लैशेस वेयर करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी आई लैशेस के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज़ रख दी है। देन इसके बाद बीच में ही मैंने लाइनर को अप्लाई कर लिया था एंड यू कैन सी, बिल्कुल आप इसमें देख ही नहीं सकते कि यहाँ पर आपका कोई भी पार्ट यानी कि लीव हुआ है, ना फर्स्ट आईलेट ना सेकेंड आईलेट, यानी कि जो हमारी आई का फर्स्ट कॉर्नर होता है और सेकेंड कॉर्नर होता है वो बिल्कुल भी आपको विजिबल नहीं होगा, वो परफेक्टली जो लाइनर लगाने के बाद आपका फुल शेप में आ जाएगा। लेकिन ये जो हुड्डा ब्यूटी की लैशेस थी वो ज़्यादा ही लॉन्ग थी, तो आपको मैं ये बोलूँगी कि इनको थोड़ा सा ट्रिम कर लें। So now it's my final look. I love it seriously. First experience is so good. लेकिन फैमिली इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही easily पता चल जाएगा कि आई लैशेस कैसे वेयर करनी है, आपका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी एंड देन यू कैन सी। लेकिन इसी के साथ साथ अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका आई मेकअप भी होगा तो कितनी प्यारी आईज लगेंगी। सीरियसली आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू माई ऑल SD सब्सक्राइबर्स एंड SD फैमिली।